नमस्कार किसान साथियों, ऊषा समाचार के शतकीय अंक में मैं कपिला शेखावत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ऊषा समाचार के माध्यम से हमेशा हमारा यह प्रयास रहता है कि विज्ञान और किसान दोनों एक साथ आएं और खेती किसानी आपके लिए अधिक आसान और लाभप्रद बन सके। ऊषा समाचार के द्वारा कृषि से जुड़ी सटीक जानकारी सही समय पर और सही रूप में आप तक पहुँच सके, यही हमारा लक्ष्य है। नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि अनुसंधान शिक्षा और प्रसार के क्षेत्र में एक अग्रगण्य संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1905 में पूसा बिहार से हुई थी, लेकिन 1934 में एक विनाशकारी भूकंप के हेतु 1936 में इसका स्थानांतरण नई दिल्ली में हुआ था। खाद्यान्न उत्पादन में भारत को स्वावलंबी बनाना और अनेक भारतीयों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली हरित क्रांति का जन्म भी ऊषा के खेतों से ही हुआ था। 1905 से लेकर ये संस्थान देश में खाद्यान्न उत्पादन और पोषण सुरक्षा में लगा हुआ है और आपकी सेवा में अद्वितीय योगदान दे रहा है। 15 अगस्त 2020 को ऊषा संस्थान ने हमारे देश के किसानों को कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से देने के लिए ऊषा समाचार कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 7 बजे हमारे संस्थान के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से किया जाता है। 100 अंकों के स्वर्णिम सफर के दौरान ऊषा समाचार ने कई नए आयाम स्थापित किए, जैसे कि अभी हमारे चैनल के साथ 22,700 से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इसने व्यूज के मामले में 6 लाख अंकों के भी आंकड़े को पार किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आपका स्नेह हमारे इस कार्यक्रम को ऐसे ही मिलता रहे। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि ऊषा संस्थान अपने टेक्नोलॉजी के बारे में समस्त जानकारियाँ किसानों के पास पहुँचाने के लिए अपना YouTube चैनल ऊषा समाचार शुरू किया था करीब 2 साल पहले, और ये YouTube चैनल द्वारा विभिन्न सूचना किसान भाई बहनों के पास ऊषा समाचार पहुँचाया है। ये समाचार बीज संबंधित हो और विभिन्न फसलों का बीमारी कीड़े के बारे में हो या अन्य जल प्रबंधन जैसे या मशीनीकरण जैसे संबंधित हो या अच्छे जो सफल किसान भाई बहन हैं उनका स्टोरी के बारे में हो, समस्त पहलू पर ऊषा समाचार अपना कर्तव्य निभाया है और सफलतापूर्वक निभाया है। खाली हिंदी में नहीं, हिंदी वर्सन तो प्रत्येक हफ्ता में निकलता है शनिवार को, इसके अलावा 5 प्रांतीय भाषा में भी ये ऊषा समाचार टेलीकास्ट हो रहा है और ऊषा के वैज्ञानिकों ने अपना समय देकर ये सारे एपिसोड में भाग लेते हैं, इसका प्रेजेंट करते हैं और चर्चा में भी भाग लेते हैं। और ये आज मुझे बताया गया कि 100वें एपिसोड ये होने जा रहा है 16 जुलाई को इस साल, और ये सेंचुरी परफॉर्मेंस के लिए मैं ऊषा समाचार को बधाई देता हूँ, ऊषा संस्थान को बधाई देता हूँ और जो भी वैज्ञानिक निर्देशक और बाकी अधिकारी इस सफलता के साथ जुड़े हुए हैं मैं सबको बधाई देता हूँ। किसान भाई बहनों के पास हमें ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की आवश्यकता है, देश के विभिन्न प्रांत में पहुंचने की आवश्यकता है, और इस तरह के YouTube चैनल के द्वारा ICAR के हरेक संस्थान प्रयासरत है और ये मैं समझता हूं आगे जाकर हरेक किसान के पास पहुंचने में हम सक्षम होंगे और ऊषा समाचार को मैं शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं आगे और नए नए तथ्यों के साथ किसानों के समस्या का समाधान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचने के लिए ऊषा समाचार को 5 क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़ और उड़िया में भी प्रसारित किया गया। ऊषा समाचार हिंदी एक साप्ताहिक गतिविधि है, वहीं
क्षेत्रीय भाषाओं के पूसा समाचार 15 दिन में एक बार अपलोड किए जाते हैं। इस पहल को इन राज्यों के किसानों एवं दर्शकों ने बहुत सराहा और पसंद किया। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि पूसा समाचार का 100वां अंक प्रस्तुत होने जा रहा है। इस खुशी के मौके पर मैं पूसा समाचार की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। यह एक बहुत ही सशक्त मीडियम है जिसके द्वारा पूसा इंस्टीट्यूट का किसानों के साथ डायरेक्ट लिंक बन गया है। मुझे ये भी बताया गया कि पूसा समाचार की इस टीम ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी किसानों के लिए ओपन किया हुआ है और इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किसानों के जो प्रश्न वहाँ से आते हैं उसका तुरंत हमारे वैज्ञानिक लोग उत्तर देते हैं। मेरा ये सुझाव रहेगा कि जितने भी ये प्रश्न किसान भाई बहनों से आते हैं उनका एक डाटाबेस बनाया जाए और ये देखा जाए कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार वही दोहराए जा रहे हैं और उनके ऊपर पूसा इस संस्थान को एक महत्वपूर्ण काम करने की आवश्यकता होगी। मैं पूसा समाचार की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये इसकी सफलता की कामना करता हूं कि ये अंक हमेशा प्रस्तुत होता रहे और किसानों के साथ पूसा इंस्टीट्यूट का जो लिंक है वो बना रहे। धन्यवाद। इस मॉडल के माध्यम से पूरे भारत के किसानों को प्रमुख फसलों के समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी सही समय पर प्रदान की गई। पूसा समाचार के कई अंकों में संस्थान द्वारा अध्येता एवं नवोन्मेषी पुरस्कार से सम्मानित किसानों की सफलता की कहानी भी प्रसारित की गई, जो कई किसानों के लिए बहुत प्रेरणादायक सिद्ध हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जो कि अपने 2 वर्ष पूरा कर रहा है और पूरे 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक चैनल यूट्यूब के माध्यम से संस्थान चला रहा है और इससे जो किसान है उनसे सीधे संवाद बनाने का प्रयास कर रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो संस्थान के वैज्ञानिक हैं विभिन्न तरह की वार्ताएँ प्रस्तुत वहाँ करते हैं और जो भी नए इवेंट्स होने हैं उनकी भी जानकारी उसको प्रस्तुत करते हैं। साथ ही जो बीमारियां हैं, जो और भी प्रकोप हैं जो फसलों पे लगने वाले हैं तो उसके ऊपर सामयिक रूप से जानकारी मिलती है जिससे किसानों को बड़ा फायदा होता है। अनेक जो पूसा की प्रजातियां विकसित की गई हैं जो कि देश की एक तरह से गौरव हैं, उन प्रजातियों को इस चैनल के माध्यम से आगे ले जाने में भी बड़ी सफलता मिली। यूट्यूब चैनल होने की वजह से आसानी से जो युवक हैं इसका लाभ उठा रहे हैं और केवल आसपास के ही राज्यों में नहीं बल्कि देश के चारों तरफ इस यूट्यूब चैनल की पहुंच है और लगातार लोग निरंतर इससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं में विशेष करके क्रेज इस चैनल का है जो चाहते हैं कि जुड़ करके नए स्टार्टअप जो पूसा संस्थान में शुरू किए गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएँ और जो इंक्यूबेशन की फैसिलिटीज हैं यहाँ पे IRI में जो नई प्रजातियाँ हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त करें और खुद भी उसका लाभ लें और साथ में दूसरे किसान भाइयों और युवकों को भी उसका लाभ मिल सके। मैं पुनः यूट्यूब चलाने वाले जितने भी लोग वैज्ञानिक इसमें सम्मिलित हैं, टेक्नीशियन सम्मिलित हैं और संस्थान के निदेशक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चैनल को शुरू करने के लिए। और एक अल्टरनेटिव मीडियम है जो प्राइवेट संस्थान कर रहे थे लेकिन सरकारी संस्थानों में इसकी कमी थी जिसकी शुरुआत IRI ने। किसान भाइयों नमस्कार। पूसा समाचार का 100वां अंक 2 वर्ष पूरा होने पर आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने कृषि से संबंधित बहुत सारे विषयों पर अपने कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किए और उन कार्यक्रमों के ऊपर आपके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए। उन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से इस कार्यक्रम को पसंद करते रहेंगे और अपने सुझाव हमें देते रहेंगे। इस समय धान का सीजन चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं मार्च के महीने में जब किसान मेला लगाया गया था तो बासमती धान की 3 नई किस्में पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 हम लोगों ने 1 किलो के पैकेट में आपको दी थी और आपसे अनुरोध किया था कि जब इसकी पौध की रोपाई आप करें तो साथ में इनकी जो पैरेंट किस्म है, जैसे 1847 1509 से निकली है, 1885 1121 से निकाली गई है और 1886 1401 से निकाली गई है, उन किस्मों को भी साथ में ज़रूर लगाएं, ताकि आप खुद दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके ये जान पाएं कि नई किस्मों में क्या खूबियां हैं। इन नई किस्मों में पत्ती का झुलसा रोग और झोंका रोग, जिसको कि ब्लास्ट की बीमारी या गर्दन तोड़ बीमारी कहते हैं, बिल्कुल नहीं लगती है और इसका प्रत्यक्ष अंतर आप लोगों को देखने में मिलेगा। इसका फायदा यह होगा कि जहां एक तरफ दवाओं के ऊपर होने वाले खर्च में कमी आएगी, उसी वहीं दूसरी तरफ जो चावल उत्पादित होगा उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, उसी में किसी भी दवा का अवशेष नहीं होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल का मूल्य अच्छा मिलेगा और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल का मूल्य अच्छा मिलेगा तो धान का रेट भी अच्छा रहेगा। 1 किलो बीज आपको दिया गया है, इससे प्राप्त जितना बीज है उसको बीज के रूप में अगले वर्ष आप प्रयोग करेंगे तो इन किस्मों को बहुत बड़े पैमाने पर फैलाने में बहुत मदद मिलेगी। धान की खेती में एक और नया आयाम जुड़ रहा है, जो है धान की सीधी बिजाई का। धान की सीधी बिजाई से करीब 35-40% पानी की बचत होती है और इस वर्ष पंजाब में काफ़ी प्रयास किया गया है। पंजाब सरकार ने 1500 रुपये प्रति एकड़ की जो मदद की है किसानों को जो धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं, उसी तरह से हरियाणा सरकार के द्वारा अगर धान की रोपाई विधि को छोड़ करके कोई किसान धान की सीधी बिजाई किया है तो उसको 4000 रुपये प्रति एकड़, और जो किसान धान की फसल छोड़ करके दूसरी फसल को अपनाए हैं उनको 7000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया गया है। उम्मीद है कि इन प्रोत्साहनों से धान की सीधी बिजाई में रकबा आगे आने वाले सालों में और बढ़ेगा और इससे जो हमारा जमीनी जल स्तर है उसमें सुधार होगा, कम पानी में धान की अच्छी खेती आप कर पाएंगे। इस दिशा में बहुत सारा शोध संस्थान में हो रहा है और उसी में एक नई पहल है धान की ऐसी किस्मों का विकास जो कि खरपतवार नाशी दवाओं के प्रति रोधी क्षमता रखती हैं। इस तरह की 2 किस्में पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 हम लोगों ने विकसित की हैं, जो क्रमशः पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1509 का सुधार कर बनाई गई हैं। इनको धान की सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त पाया गया है। इसके ऊपर बुआई के करीब 18 से 21 दिन बाद जब आप एक दवा, खरपतवार नाशी दवा आती है जिसको इमीजाथापिर के नाम से जानते हैं, उसका छिड़काव करेंगे, धान की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन खरपतवार पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं धान की सीधी बिजाई में जो सबसे बड़ा शत्रु है वो खरपतवार होता है और खरपतवार का अगर प्रभावी नियंत्रण हम कर पाते हैं तो धान की उत्पादकता धान की सीधी बिजाई में और बढ़ेगी। उम्मीद है अगले वर्ष इन किस्मों का बीज हम आपको पर्याप्त मात्रा में दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूसा समाचार के अंतर्गत हमने एक समर्पित पूसा व्हाट्सएप सलाह नंबर को लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत हमारे किसान भाइयों ने देश भर से अपने खेती किसानी से जुड़े समस्याओं को हमें साझा किया। हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ इन समस्याओं का समाधान लेकर सीधे हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इस नवोन्मेषी पहल को बहुत ही सराहा गया। किसान दोस्तों नमस्कार, मैं प्रीतम सिंह IRA फेलो फार्मर। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो इसी कड़ी में हमें नई तकनीकियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है पूसा समाचार। पूसा हमारे देश का एक अग्रणी संस्थान है और इस संस्थान के डायरेक्टर साहब की दूरगामी सोच का परिणाम है कि उन्होंने पूसा समाचार चालू किया, जिससे कि किसानों को होने वाली समसामयिक घटनाओं, कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकियों, उसके बारे में जानकारी अवगत करवाता है हमें। तो हर किसान को ये समाचार पूसा समाचार से जुड़ना चाहिए जो कि YouTube पे उपलब्ध है। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को अवनीश चाई
अवनीश त्यागी का प्यार भरा नमस्कार। पूसा एपिसोड हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। समय समय पर वैज्ञानिक ही अवगत कराते रहते हैं कि इसमें किस प्रकार के रोग लग सकते हैं और किस प्रकार उनका निदान होता है। पूसा समाचार के प्रत्येक एपिसोड के अंत में जो पूसा समाचार टीम हमको मौसम संबंधी जानकारी देती है, ये किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। इसमें आने वाले सप्ताह के लिए हम मौसम से सचेत हो जाते हैं और इसके अनुसार हम अपनी फसल का बोते हैं या अपनी फसल को काटते हैं, कटाई करते हैं। मेरा नाम धर्मपाल त्यागी, गांव बादशाहपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से हूं और मुझे बड़ी खुशी और हर्ष हो रहा है कि हमारा 100वां ऐसी एपिसोड आ रहा है जो पूसा समाचार का है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं निर्देशक महोदय श्री ए के सिंह साहब, जो समय समय पर बहुत अच्छी जानकारी देते हैं और जैसे जो फसल खरीफ और रबी की होती है पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे कोई कीटनाशक आने की संभावना होती है तो किसान सचेत हो जाता है। और दूसरा, जो सीड को बीमारियों से बचाना होता है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, किस फसल में कितनी दवाई कितनी मात्रा, इससे हमें बहुत ही फायदा हुआ है और इससे मैं समझता हूँ और किसानों की भी कुछ आय बढ़ी होगी, मेरी तो काफ़ी बढ़ी है। नमस्कार जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है, किसान मैं पलवल का रहने वाला हूँ। पूसा संस्थान के द्वारा प्रति शनिवार को शाम 7 बजे एक खेती से संबंधित समाचार प्रसारित किया जाता है। हम इसे देखते हैं और इससे तकनीकी लाभ उठाते हैं। मैं ये खुद भी लाभ उठाता हूँ और अपने किसान भाइयों को भी बताता हूँ, वो भी इसका लाभ उठाते हैं। कोई समस्या होती है तो हम व्हाट्सएप के द्वारा उनसे संपर्क करते हैं, व्हाट्सएप पे वो अपना सवाल भेज देते हैं, अगले एपिसोड में उसका निवारण बता दिया जाता है, मौसम से संबंधित जानकारी भी दी जाती है। हम चाहते हैं कि आगे चलता रहे और हम किसान भाई इसका लाभ उठाते रहें। पूसा समाचार के माध्यम से निरंतर आप हमारे एंकर्स और एक्सपर्ट से जुड़ते आए हैं और आज हम आपको परिचय कराना चाहते हैं पर्दा के पीछे जो टीम काम कर रही है और उन टीम के मेंबर्स से जो इस पूसा समाचार के अंक को बनाने में और उसको अपलोड करने में पूरा योगदान देते हैं। सबसे पहले मौसम का जो खबर होता है, हर हफ्ते हम पूसा समाचार के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं और ये मौसम खबर हमें प्रोवाइड कराते हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, प्रधान वैज्ञानिक। हमारे एडिटिंग टीम के जो मेंबर्स हैं उसमें डॉक्टर विपिन कुमार जी हैं वैज्ञानिक, जो कि मुख्य एडिटर हैं, और उनको सहयोग करते हैं हर हफ्ते डॉक्टर ब्रजेश सिंह महाराज जी जो वैज्ञानिक हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं श्री अजीत जी जो तकनीकी सहायक हैं और श्री राहुल पासवान जी। हमारे फोटोग्राफर श्री हीरालाल पासवान जी जो हर हफ्ते स्टील और वीडियो फोटोग्राफी करने में हमें मदद करते हैं। ये टीम कार्यरत रहते हैं और पूसा समाचार के अंक को हर हफ्ते आप तक पहुंचाने में हमें मदद करते हैं। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह शतकी अंक आपको बेहद पसंद आया होगा और साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध होगा। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे हर एपिसोड की जानकारी आप तक पहुंचती है, साथ ही पूसा समाचार की टीम का मनोबल भी बढ़ता है। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याओं एवं अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नव विचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।